ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम एक रीडिंग लेके आए हैं जो कि है लव टैरो रीडिंग फॉर सिंगल्स। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको आई वेलकम यू। प्लीज़ मेरे इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, देखें ये रीडिंग, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें रीडिंग्स को। हम आपके लिए लेके आए हैं ये एक रीडिंग जो कि है सिंगल्स के लिए। सिंगल्स आप किसी भी रीजन से हो सकते हैं, चाहे आप अभी अनमैरिड हैं या फिर अभी आप लोगों की लाइफ में सेपरेशन चल रहा है और कुछ रीजंस की वजह से आप डिवोर्स के बाद सिंगल हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सिंगल हो गए हैं। सो, ये रीडिंग कहीं ना कहीं उन सिंगल्स के लिए है जो कि अपनी लाइफ में अपने या तो पुराने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं या फिर एक न्यू लव के लिए आगे देख रहे हैं कि कोई मेरी लाइफ में नया आएगा या नहीं। सो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जिसमें हम सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर हम अपना सवाल लेंगे एंड लास्ट में आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। इस जनरल रीडिंग को आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें सन साइन, मून साइन या नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे मेरा नाम अगर शिखा है तो श से जो बनता है वो नाम राशि हो गई। इस तरह से जिससे आपको रेजोनेट करे आप वो देखें। जबरदस्ती किसी चीज को आपने अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है, इसलिए मैं आपको ये चीज पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूं। बाकी जितना रेजोनेट हो उतना लें। सो, अब जल्दी से फ्रेंड्स इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो, लियो राशि फ्रेंड्स कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, हम ये देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि आपकी अभी करंट एनर्जी क्या है। आप सिंगल हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरह से देखते हैं उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। सक्सेस, न्यू विजन, पास्ट लाइव्स एंड एक्सपीरियंसिंग। लियो, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। सो, यहाँ पर दिख रहा है, ये बहुत क्लियर है चीज, कि आपको लोग ही ऐसे मिले जिनका आपके साथ एक पास्ट कर्मा ऑलरेडी सेट था। सो, बहुत सारे यहाँ पे जो सिंगल्स हैं वो ऐसे ही दिख रहे हैं मुझे, जो बहुत एक लंबे समय से एक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो उनके पास्ट लाइफ पर्सन है, और इस पर्सन के साथ आपने जिंदगी के काफ़ी सारे खट्टे मीठे अनुभव लिए, अच्छा आपका एक बॉन्डिंग भी रही। हालांकि पिछले कुछ समय से मुझे जो लोग एक रिलेशनशिप में थे ऐसा दिख रहा है कि एक लंबा समय तय करने के बाद या लंबी दूरी तय करने के बाद आप लोग पता नहीं थक से गए हैं, या तो इस रिश्ते में या उसे रिवाइव नहीं कर पा रहे अपने गोल्स को, पता नहीं थक गए हो, या आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अब आपको ऐसे लगने लगा कि ये कोई कार्मिक है जो आपको पहले बहुत खुशी देता था, बहुत आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करता था, अब कहीं ना कहीं आपको वो पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, इरिटेटिंग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं इससे मिला ही क्यों। और जबकि आपने शुरू से उसके साथ एक बहुत अच्छा एक सफ़र तय करने की कोशिश की, आप उसको अपने ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहते थे, उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ें उस हिसाब से आपकी लाइफ में हो नहीं पाई, और जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप को अब ऐसा लगने लगा है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में कार्मिक तो नहीं है। सो, यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है बहुत सारे लियो लोगों की। अगला हम देखते हैं कि क्या अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री करने वाला है या कोई ओल्ड पर्सन, आपका एक्स या नेक्स्ट। सो, द फूल, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग्ड मैन। देखिए, यहां पर मुझे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अब एक नया पर्सन एंट्री करेगा, और जो भी ये नया पर्सन है,
ये काफी ज्यादा खुद को बाकी चीजों से निकालकर आपकी तरफ लेकर आ रहा है, यानी कि ये खुद अपने इमोशन से, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, या अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे भागता हुआ ये आपसे टकराएगा और कहीं ना कहीं आपको वो लाइफ में स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेगा जो अभी आपकी लाइफ में मिसिंग है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में रुकी हुई चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। सबसे पहला तो ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा, बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ों को मिलके करेगा। चांसेस हैं कि ये आपके किसी फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के थ्रू आपकी लाइफ में आए और वो आपको कहीं ना कहीं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू या किसी कॉमन रिलेटिव के थ्रू आपकी ज़िंदगी में आए और फिर कभी ना जाए। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन भी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, अपनी पुरानी चीज़ों को बिल्कुल छोड़कर, बिल्कुल ख़त्म करकर, रिस्क लेकर एक नए रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। सो इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है लियो आपके पार्ट, आपकी लाइफ में एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन की। आइए देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस फॉर डिवाइन हीलिंग, तो आपकी पहला ही मुझे दिख रहा था कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे और बहुत एक उतार चढ़ाव से आप लोग निकले हैं और वहां से ही आप आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको ऊपर ऊपर डिवाइन से पूरा सपोर्ट है, लेकिन आपको अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अगर नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं सो सोच समझ के आगे बढ़ें। अगला है, आप अपने फैमिली से, अपने लीनियत से कम्प्लीटली कनेक्टेड रहें। कहीं ना कहीं मुझे जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखी है ना, वो जो पास्ट लाइफ का आपका आया, आपको कहीं ना कहीं ये सब भुगतना ही इसलिए पड़ा कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा कुछ थे और वही क्लियर करे हैं आपने किसी एक पर्सन के साथ, तो वो आपका क्लियरेंस हुआ है, इसलिए अब आप हीलिंग करें और एक न्यू पर्सन के साथ अपनी लाइफ को रीबिगिन करें। सो यहाँ पर मैं आपकी इस रीडिंग को करती हूँ फ्रेंड्स कंप्लीट, और क्लैरिटी मिली हो कि कौन आ रहा है अब आपकी लाइफ में, लियो की लाइफ में। सो फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है। सो अभी के लिए फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।